होते डैड, मैंने मेरे दोस्त को मार डाला डैड, अगर तुम मेरे बाप ना होते तो मैं तुम्हें तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी किए देते हैं। राय साहब का हुक्म है कि तुम दोनों बाप बेटे को खत्म कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। राय साहब के दुश्मनों की सजा होती है सिर्फ मौत, मरने की। अजीत बयान लिख कर देता हूं कि डॉक्टर रवि मल्होत्रा ने योर ऑनर, इस मुकदमे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यह मिस्टर राय बहादुर जैसे शरीफ और नेक इंसान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश,
अगर इस केस में जरा सी भी सच्चाई होती तो मिस्टर अजय मल्होत्रा इस समय अदालत में सबूत और गवाहों समेत मौजूद होते, लेकिन वो नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक शरीफ और इज्जतदार इंसान पर इल्जाम लगाया। ये तो कानून की दरियादिली थी जो उसने मिस्टर अजय मल्होत्रा को मेरे मौकिल के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी, और वो मोहलत खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त जाया ना करे और इस झूठे और बेबुनियाद केस को खारिज करके मेरे मौकिल मिस्टर राय बहादुर को बाइज्जत बरी करे। That's all, Your Honor. मिस्टर अजय की गैर हाजिरी ने इस मुकदमे को कमजोर कर दिया है। अगर मिस्टर अजय 11 बजे अदालत में सबूत समेत हाजिर नहीं हुए तो इस मुकदमे को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। अगर ठहरिए जज साहब, साहब ये मेरे पिताजी हैं, ये कोर्ट में गवाही ना दे सके इसलिए इन्हें जान से मार डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में ये अदालत को कुछ बताना चाहते हैं कि वो लाशों का सौदागर कौन है, कौन है जो इस शहर में मौत का बाजार चला रहा है, ये आपको बताना चाहते हैं। योर ऑनर, बिना सहारे के ये कटहरे में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें इजाजत दी जाए कि हम कटहरे के बाहर खड़े रहकर इन्हें सहारा दें। इजाजत है। डॉक्टर सिन्हा, क्या यह सच है कि आप पर जानलेवा हमला सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप अदालत पहुंचकर गवाही ना दे सके? और क्या यह भी सच है कि अजय मल्होत्रा के पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा बेकसूर थे और उन्हें जान पूछ कर फंसाया गया था? फिर असली गुनहगार कौन है? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बोलिए, जवाब दीजिए, डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, कौन है वो? अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए कौन है वो। बताइए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बताइए वो कौन है डॉक्टर सिन्हा? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, अदालत को बताइए कि वो गुनहगार कौन है? डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा। छोड़ दो मुझे, रुक जाओ,
कानून को अपने हाथ में मत लो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। साले लाशों के व्यापारी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो साले को, मारो साले की मौत है, मारो साले के टुकड़े टुकड़े कर दो साले को, छोड़ दो अंकल। आप और केले, तू भी ले ले, ले ले। अरे नहीं भैया, एड्स से डरो, एड्स से डरो। एड्स से अब नहीं लगता है डर, चूहों से तू डर। चूहों से क्यों? प्लेग। ओ प्लेग। अरे हाँ याद आया, कल पत्नी क्या नया? हाँ, याद है, हमने तो बाल भी कम करा। प्लेग प्लेग।